वीवीआईपी चॉपर डील में भ्रष्टाचार का खुलासा। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम आया सामने। इटली के मरीन ऑफिसर ने दो भारतीय मछुआरों को उतारा मौत के घाट। अगर भारत से करनी है डिफेंस डील तो पाकिस्तान से रहना होगा दूर। 2 मार्च को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत दौरे पर अपने डिप्यूटी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर एंटोनियो जॉन समेत कई इकोनॉमिस्ट्स के साथ आईं। ये मीटिंग भारत इटली संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। भारत और इटली 2023 में आपसी डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मनाने वाला है, जिसमें भारत और इटली की 2012-13 के बाद से बिगड़े रिश्तों का सुधारने की कोशिश की जानी है। भारत के तेज तर्रार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत और इटली आपस में सिक्योरिटी, डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद से काम कर रही है। मगर इससे पहले कि भारत और इटली के रिश्ते सुधरे, हम आपको बताते हैं कि 75 सालों से चल रहे इन रिश्तों में 2012-13 में तकरार क्यों आई थी। दरअसल 2012 में लक्षद्वीप से लौटते हुए दो निहत्थे मछुआरों को इटली के मरीन ऑफिसरों ने डाकू समझकर गोली मार दी थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था और भारत ने उन दोनों ऑफिसर को सजा देने की मांग भी की थी। मगर 2022 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और इटली की कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद इटली ने कंपनसेशन के तौर पर 10 करोड़ इन दोनों मछुआरों के परिवारों को दिए। फिर दोनों मरीन ऑफिसर को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का नाम सामने आया, जिसके बाद इटली की एक बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इन बिगड़े रिश्तों के बाद इटली ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जब पाकिस्तान CPEC का हिस्सा बन रहा था और चीन भी पाकिस्तान के साथ अपने नाते गहरे कर रहा था। तो इटली ने सोचा कि पाकिस्तान को हथियार बेचकर इटली पाकिस्तान से पैसा कमा सकता है और चीन के साथ भी रिश्ते कायम कर सकता है। मगर अमेरिका की डांट के बाद इटली को चीन से दूरियां बनानी पड़ी और पाकिस्तान की जेब में 2018 के बाद से इतना पैसा बचा ही नहीं कि वो अब इटली से कुछ खरीद सके। तो अब इटली को भारत का रास्ता दिखा है, जिसमें अगर कोई डील होती है तो वो इटली के लिए बेहद फायदेमंद होगी। मगर ये डील इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। भारत ने इटली के साथ डिफेंस डील करने की इच्छा जरूर जताई है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये डील तभी होगी अगर इटली पाकिस्तान को S-800 सबमरीन देने से मना कर दे। हालांकि पाकिस्तान के पास वैसे भी कोई पैसा नहीं बचा है इन हथियारों को खरीदने का, मगर जब तक उसकी डील इटली के साथ बनी रहती है तब तक वो भारत के लिए खतरा बना रहेगा। भारत का इटली के संबंध पुराने हैं और ये संबंध फिर से मजबूत होना दोनों देशों के लिए सिर्फ फायदेमंद ही होगा। काफी संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलने की खूबी रखने वाली मेलोनी के आने से भारत को भी इटली से एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की सुगंध आ रही है। 1947 से आगाज हुए ये रिश्ते इतने गहरे हैं कि इटली भारत का यूरोप के 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है। कल्चरल एक्सचेंज और वैज्ञानिक कोऑपरेशन में भी इटली और भारत 70 के दशक में आपस में काम कर रहे हैं। इटली में भी भारत के 2.5 लाख लोग रहते हैं, जो भारत के लिए यूरोप में तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता और इटली के लिए 5वीं सबसे बड़ी नॉन यूरोपियन सभ्यता बनकर उभरी है। अगर भारत इटली के संबंध सुधरते हैं तो ये उन भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे जो इटली में रह रहे हैं। भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी इसका असर दिखेगा, जो IMF की भविष्यवाणी को साकार करने में मदद करेगा। दरअसल IMF की हेड क्रिस्टिन लिगार्ड ने बीते दिनों कहा था कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के 15% व्यापार को अकेले चलाएगा। अब ऐसा कुछ करने के लिए भारत को इटली समेत कई देशों का साथ चाहिए होगा। इस पर आपको क्या लगता है कि भारत इटली के ये संबंध भारत को विश्वगुरु बनने के राह पर आगे लेकर जाएंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, UPN TV।